नमस्कार दोस्तों, आज है 8 सितंबर 2019 और 8 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आपको बता दूँ दोस्तों, कल का दिन ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही भावात्मक रूप रहा है, बड़ा ही भावपूर्ण ये दिन रहा है। सभी लोग इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे चंद्रयान 2 से। इवन मेरी बात करें तो मैं जब से इस मिशन को लॉन्च किया गया था तब से इस मिशन पर बराबर डेली बेसिस पर इस पर नज़र बनाए हुए था। और कल की डेट में करंट अफेयर्स बनाने के बाद में मैं इसकी लाइव लैंडिंग का वीडियो भी देख रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। उसके दौरान जैसे जैसे घड़ी पर टाइम बीतता जा रहा था सभी के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था, मन में दुआ कर रहे थे कि काश सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए, और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से, आपको भी पता है कि जब ये हमारा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च के करीब लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर बसता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो ट्रेजेक्ट्री था वो कुछ यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ से काउंटडाउन शुरू हुआ था, स्टेज 1 अच्छे से पूरा हो गया था, उसके बाद में ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छे से हो गया था। उसके बाद में जब ये आकर यहाँ पर रुक गया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना ज़्यादा कह सकते हो परेशानी, शायद जितना मैं महसूस कर सकता हूँ जितना आप लोगों को भी उतना ही महसूस हुआ होगा। बहुत ज़्यादा इसका रिग्रेट मुझे, बहुत ज़्यादा इसका दुख महसूस हुआ है। उसी तरीके का दुख आज पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। फिर भी जो भी हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिकेशन लॉस कर दिया था अपने लैंडर की तरफ से। और अभी रिसेंट में आज की जो न्यूज़ आ रही है उसमें ये आ रही है कि अभी इस लैंडर के क्रैश होने की कोई भी खबर नहीं आई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि लैंडर क्रैश हुआ होगा, हो सकता है लैंडर क्रैश ना हुआ हो, जस्ट हमने उससे कम्युनिकेशन खो दिया हो। तो लगातार अगले 14 दिनों तक हम लोग लैंडर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ में इस मुश्किल घड़ी पर, क्योंकि आपको भी पता है ऐसे मिशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसा लगता है इस इवेंट में। और बिल्कुल अपनी सक्सेस के करीब में आकर फेलियर जो होता है उसका दुख आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग 1 या 2 नंबर से जब एग्ज़ाम रह जाता है तो उस चीज़ का ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, अगर आपका 10 नंबर से रह जाए एग्जाम तो उतना ज़्यादा दुख आपको नहीं होगा। ठीक है, 1 या 2 नंबर से रहने की टीस जो होती है वो बहुत दिनों तक मन में बनी रहती है, सालों की मेहनत होती है, बहुत दिनों तक का ना जाने कितनी रातें जागकर इन्होंने इस मिशन को बनाया था और वो पूरा नहीं हो सका, इस वजह से बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस मुश्किल घड़ी में ना सिर्फ मैं, पूरा हिंदुस्तान इसरो की तरफ से इसरो के लिए बराबर खड़ा है, बराबर इसरो को सपोर्ट कर रहा है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इसरो को सपोर्ट करना चाहते हैं कमेंट में इसरो के लिए कुछ ना कुछ लिखिए जरूर। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं ये मिशन पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ है। इस मिशन में कह सकते हो 90% सक्सेस हमने अचीव कर ली है, यानी कि इसका जो पहला स्थित है ऑर्बिटर वो प्रॉपर तरीके से चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है और अगले 1 साल तक वो इसी तरीके से ऑर्बिटर में अपनी परफॉर्मेंस देता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों, इन सभी के बीच में सबसे ज़्यादा इमोशनल क्षण अगर कोई वो था तो वो था इसरो के चीफ, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे विदा ले रहे थे उस समय उनकी आंखों से आंसू निकल आया था, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जो साहसिक जिस तरीके से उनको सांत्वना दी है वो वाकई दिल को छूने वाली है। जिसमें कि आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कल की डेट में बहुत सारे लोगों ने ट्विटर और फेसबुक पर शेयर किया था। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसरो के जो चीफ है के सिवान वो जब रो रहे थे उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे थे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से हम ताकत से फिर से इस मिशन को लॉन्च करेंगे और अगली बार डेफिनेटली हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगी पीएम मोदी जी की। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि किस देश में तूफान डोरियन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि एक तूफान है जिसका नाम है डोरियन, वो कौन से देश में आया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने यूएसए
और बहमास पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो सबसे ज्यादा अगर इसने इफेक्ट डाला है तो वो डाला है बहमास में, और थोड़ा बहुत यूएसए के रीजंस में भी इसने इफेक्ट किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ये जो तूफान डोरियन है इस कितनी विकराल तरीके से इसका रूप हो चुका है, जो कि आप इस वीडियो इस फोटो में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो बहरीन जगह है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड का मैप, यहाँ पर इस तरफ आपको नॉर्थ अमेरिका के देश मिल जाएंगे, बगल में आपको छोटी सी एक जगह है, छोटा सा एक आइलैंड है जिसका नाम है बहामास, जहाँ पर आप देख सकते हैं डोरियन नाम का एक तूफान है जो कि विकराल रूप ले चुका है। ये जो डोरियन तूफान है ये अटलांटिक ओशियन में इस तरीके से जनरेट हुआ था, और जनरेट होने के बाद में इसने सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट किया है तो वो बहामास को, और बचा हुआ पार्ट अमेरिका में इसने ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यूएस और बहामास इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले बता दूं ये जो तूफान है इसकी मैक्सिमम जो स्पीड रखी गई है वो 295 किलोमीटर तक देखी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 50 कैच लेने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो यहां पर देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए 50 कैच लेने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। सबसे तेजी से 50 कैच लेने वाले ऋषभ पंत जो हैं ये क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे कर दिया है। अब बात करी जाए उन्होंने कुल कितने मैचों में कैच लिए हैं, तो ऋषभ पंत ने 11 टेस्ट मैचों में कुल 50 कैच पकड़े हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी जिसको इन्होंने पीछे कर दिया है उन्होंने 15 टेस्ट मैचों में 50 कैच पकड़े थे। तो ऋषभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बना है कि किस देश की कंपनी ने गार्लिक नाम से बिल्ली का प्रथम क्लोन तैयार कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चाइना इज द राइट आंसर, जहां पर गार्लिक नाम से एक बिल्ली का क्लोन तैयार किया गया है। तो यह बिल्ली का फोटो भी देख सकते हैं जिसको कि अभी क्लोन के रूप में तैयार किया गया है। ये चाइना की एक कंपनी है जिसने इसको किया है, जिसका नाम है गार्लिक। ठीक है, इतनी आपकी चीजें समझकर याद रखनी है। अगला प्रश्न बना है किस राज्य परिवहन निगम ने सिवाई नाम से राज्य का पहला इलेक्ट्रिक बस का शुभ आरंभ कर दिया है? आपको भी पता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हो इलेक्ट्रिक वाहन जो है आजकल लॉन्च किए जा रहे हैं। इसी इनिशिएटिव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने सिवाई नाम से पहली इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ कर दिया है, जिसका की फोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसको इस पे सबसे ऊपर में आपको देखो नाम भी लिखा हुआ सिवाई, ये रहा सिवाई, सिवाई नाम से इस बस को लॉन्च किया गया है। हालांकि इसके इस तरफ भी आप देख सकते हैं सिवाई नाम से ये बस है जिसको, जो कि पहली इलेक्ट्रिक बस है जिसको महाराष्ट्र में अभी लॉन्च किया गया है। तो एक बार फिर से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस राज्य परिवहन निगम ने सिवाई नाम से राज्य का पहला इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस राज्य का पहला फूड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन लक्कामपल्ली गांव में किया गया है? तो किस राज्य में ऐसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राज्य तेलंगाना में पहला मेगा फूड पार्क, जो कि एक गांव जिसका नाम है लक्कामपल्ली में खोला गया है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका उद्घाटन करने का फोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं। आपको बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, जिनका की फोटो भी मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इसका उद्घाटन किसने किया था ये फोटो अगर आप पहचानते हैं तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। दो फोटोज मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं। साथ ही साथ में दोस्तों यहां पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि आपको ये बता दें कि तमिलनाडु का पहला फूड मेगा फूड पार्क जो है ये किस गांव में ओपन कर दिया गया है? तब आपको बताना है लक्कामपल्ली नाम का एक गांव है जहां पर यहां पर तेलंगाना की बात हो रही है। लक्कामपल्ली गांव एक गांव है जहां पर तेलंगाना का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो ओपन कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जिन लोगों ने मैकेनिकल से बीटेक कर रखा है या फिर आप लोगों ने आईटीआई या पॉलीटेक्निक कर रखा होगा, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा भूषण पावर, और एक दूसरी कंपनी है जिंदल सौ, इन दोनों कंपनियों का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा।
तो अभी रिसेंट में देखो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बना है कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को खरीदने के लिए JSW के 19,700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को हाल ही में किसने मंजूरी दे दी है। बहुत दिनों तक नाम सुनते रहे भूषण पावर का। मैकेनिकल के जो बच्चे होते हैं बीटेक वाले, वो ज़्यादातर जॉब जो है भूषण पावर में ही उनका लगता है, मैंने सुना है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है इसको जिंदल सौ नाम की कंपनी है JSW, जो कि इसको 19,700 करोड़ रुपए में परचेज कर रही है। परचेस करने को लेकर अभी एक मंजूरी मिलना बाकी था जो कि अभी प्रदान कर दी गई है, और ये जो मंजूरी रुकी हुई थी ये दी गई है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने हाल ही में जिंदल सौ को परमिशन दे दी है कि वो 19,700 करोड़ रुपए में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, ये जिंदल सा का आप लोगो देख सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको स्टील इंडस्ट्री का फोटो दिखा देते हैं, सो दैट आप इस प्रश्न को अच्छे से कोरिलेट करके याद कर सकें। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने भारत की किस संगीतकार को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए डॉटर ऑफ द नेशन के खिताब से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है? तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर को डॉटर ऑफ द नेशन के खिताब से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर आप लता दीदी का फोटो भी देख सकते हैं जिनको डॉटर ऑफ द नेशन के रूप में सम्मानित किया जाएगा। और ये जो सम्मान है ये उनको कब दिया जाएगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यह सम्मान उनको 28 सितंबर को उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको डॉटर ऑफ द नेशन के खिताब से सम्मानित करने की घोषणा करी है? तो लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो कि तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपने देखा होगा एक रानू मंडल नाम की एक महिला है जो कि लता जी का गाना गाकर ही वायरल हुई थी, जो कि स्टेशन पर गाना गाती थी और उसका वीडियो वायरल हो गया था, और बहुत ज्यादा उसकी वीडियो इस समय वायरल भी चल रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क जियो ने हाल ही में भारत के कितने शहरों में फाइबर टू द होम सर्विस जियो फाइबर शुरू करने की घोषणा कर दी है? आपको भी पता है ये जो जियो फाइबर है इसको 5 सितंबर 2019 से पूरे देश में लॉन्च कर दिया है, पूरे देश के कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च कर दिया गया है। और कितने शहरों में इसको लॉन्च किया गया है, ये है 16 शहरों में इसको लॉन्च किया गया है। तो आप लोग भी पूरी लिस्ट जाकर देख सकते हैं, अगर आपके शहर का नाम है तो आप जियो फाइबर को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी सस्ते रेट पर। अभी तक जो भारत में सबसे अच्छी स्पीड आ रही थी वो आ रही थी 25 MBPS, जो कि जियो फाइबर में 100 MBPS तक की स्पीड आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, पुस्तक शिक्षा के लेखक कौन है? तो देखो आप लोगों ने इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिक्षा। देखो बहुत दिनों से आप लोग भी सुन रहे होंगे दिल्ली में शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा अलग अलग से कुछ अच्छे काम किए गए हैं, जिसमें लगातार दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा को लेकर एक्सपेरिमेंट जो किए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, उन सभी को लेकर एक ये पुस्तक को लॉन्च किया गया है। और आपने भी ये फोटो देखा होगा, भारत के यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जी को इस इवेंट में बुलाया गया था, काफ़ी लाइमलाइट रहा था, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जी को बुलाया था। ये जो शिक्षा बुक है जिस पर आप फोटो भी देख सकते हो मनीष सिसोदिया जी का, जो कि दिल्ली के इस समय उप मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को शायद सभी लोग जानते होंगे, तो इसको मनीष सिसोदिया ने इस पुस्तक को लिखा है। तो अरविंद मनीष सिसोदिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले एक दो फोटो और देख लेते हैं। ये है मनीष सिसोदिया जो कि अपनी पुस्तक शिक्षा के साथ में है, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर, आप अरविंद केजरीवाल, तीनों का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के किस पहलवान को विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता दी गई है? तो यहाँ पर आपको बता दें बजरंग पूनिया, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहलवान बजरंग पूनिया को वर्ल्ड्स नंबर वन की यहाँ पर लिस्ट में विश्व चैंपियनशिप के में शीर्ष वरीयता प्रदान करी गई है। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है, इनको ये जो विश्व में नंबर वन वरीयता दी गई है वो कितने किलोग्राम के कैटेगरी में दिया गया है? तो ये 65 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कैटेगरी में इनको विश्व का नंबर वन चैंपियनशिप की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं बजरंग पूनिया का, जो कि विश्व के नंबर वन फ्री स्टाइल रेसलर हैं।
करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि 69th इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 10 सितंबर तक कहां पर आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक करें और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आज शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का सबसे पहला प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किस दिन मनाया जाता है। किस देश के रहने वाले मोहम्मद यूनिस को लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, प्यार बनाए रखिए और मेहनत से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।